पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में हालात काबू से बाहर होते जा रही हैं। पाकिस्तान सरकार चीन से दोस्ती निभाने के चक्कर में अपने ही नागरिकों की आवाज़ नहीं सुन रही है। ग्वादर में प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया है और एक पुलिसकर्मी की मौत के बाद धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट भी बंद कर दिया है। बावजूद हकदो तारहीक की चीन पाक इकॉनमी कॉरिडोर के खिलाफ विरोध जारी है और चीन के लिए भी यह प्रदर्शन परेशानी भरा है, क्योंकि चीनी दूत ली बिजान ने माना है कि ये चिंता का कारण है। चीन एचडीटी के अध्यक्ष रहमान समेत अन्य स्थानीय नेताओं से बात कर रही हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेस और अन्य निर्माणाधीन न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बना रही हैं, लिहाजा बातचीत का रास्ता भी बंद होता जा रहा है।